एक वैक्सीन पासपोर्ट निकाला, जिसको कोविशील्ड वैक्सीन लगा हुआ इंडिया का, वो जी हम उसको नहीं मानेंगे। चीमा जी मजे की बात बताऊं, जयशंकर जी ने फोन किए 5-7 फोन, 8-9 कंट्रियों ने बोल दिया जी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बोला, बोला ठीक है भैया जो तुम्हारे यहाँ से आएंगे हम उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखेंगे, अगर ठीक रहे तो घर जाएंगे, नहीं तो वापस जाएंगे। अब मुझे बताइए, ये जब रिट्रोस्पेक्टिव मेजर्स की बात होती है, फोन करता है पॉलिटिशियन दूसरे को, सबसे सस्ती वैक्सीन हमने मंगा ली। चीमा जी आज के डेट में कहानी बताऊं सर आपको, 37 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगा ली जो अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। हमें बोलते थे न्यूजीलैंड से कोविड मैनेजमेंट सीखो, पहले दिन 21 जून को 90 लाख लोगों को आप वैक्सीन लगाई, जो विच इज ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड। चीनी वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं हो रही, फिर यहाँ ये भी क्या, तो हम वैक्सीन बनाने वाले थे जिसमें हमें ये कहा गया था कि हफ्तों में हम इतनी बना लेंगे कि शायद 2-2.5 करोड़ के लग जाएं। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या करें, अब थोड़े हंगामे हो रहे हैं एक्सपो सेंटर में, कल भी आज भी लोग बड़े परेशान हैं। डॉक्टर साहब जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वाले अब यूरोप की यात्रा कर सकेंगे। सूत्रों के अनुसार स्विट्जरलैंड सहित यूरोप के 10 देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। कोविशील्ड लगवाने वाले अब यूरोप की यात्रा कर सकेंगे, यह संभव हुआ भारत की चेतावनी से। दरअसल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक ही फोन कॉल से यूरोपियन यूनियन के 10 देशों ने भारतीय वैक्सीन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। सरकार ने यूरोपियन यूनियन से दो टुक कह दिया था कि भारतीय वैक्सीन को एक्सेप्ट करें या फिर यूरोपियन यूनियन के नागरिकों को भारत पहुंचने पर उनके लिए क्वारंटाइन अनिवार्य किया जाएगा। इसी चेतावनी से कोविशील्ड को यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने मान्यता दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइनीज वैक्सीन के यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरब से मान्यता ना मिलने के कारण बहुत परेशान लग रहा है। अभी क्या हुआ चीमा जी कि हम, ये 4-1 दिन पहले की बात है, मैं अपने टीवी पे था, ईमा यूरोपियन मेडिकल एसोसिएशन, नाम सुना होगा आपने, क्या उन्होंने क्या बोला, वो बोला भाई जो कोविशील्ड वैक्सीन है हम यूरोप, उन्होंने एक वैक्सीन पासपोर्ट निकाला जिसको कोविशील्ड वैक्सीन लगा हुआ इंडिया का, वो जी हम उसको नहीं मानेंगे, हम वो वैक्सीन नहीं मानते, जबकि एस्ट्राजेनेका उसमें पार्टनर है, फॉर्मूला वही है, केमिकली वही है। मुझे बताइए 35-36 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुका है, 25 करोड़ लोगों को यही वैक्सीन लगा, इससे ना बड़ी केस स्टडी है, ना इससे बड़ा ब्रांड है, ना इससे बड़ी कोई फील्ड ट्रायल दुनिया में पॉसिबल है। ठीक है जी, अब हम डिबेट पे थे, बोले भाई क्या करे जाए, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करो, एक रेट्रोस्पेक्टिव मेजर लगा दो, ये इशू डॉक्टर जयशंकर को पॉलिटिशियनों के साथ हैंडल करना चाहिए, ईमा वाले अपने जो उनकी लॉबीज है या जो भी लोग हैं उनके साथ मिलकर नाटक शुरू करें। चीमा जी मजे की बात बताऊं, जयशंकर जी ने फोन किए 5-7 फोन, 8-9 कंट्रियों ने बोल दिया जी हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताइए चीमा जी, फोन करके एक्सटर्नल मिनिस्टर के वैक्सीन का फॉर्मूला बदल जाता है क्या, केमिस्ट्री बदल गई क्या वैक्सीन की, आपको जो मेरे को जो वैक्सीन लगा उसके अंदर वो जो केमिकल कंपोजिशन बदल गया, अब मैं ईमा से पूछूं भैया फोन से पहले और फोन के बाद केमिकली क्या बदल गया, आप तो एक फार्मासिस्ट कंपनी हो ना, आप यू आर ए केमिकल और फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप पॉलिटिकल लीडर के फोन करने के बाद क्या वैक्सीन सेफ हो गया, तो पहले अनसेफ था, क्या हो जाता है जब ये ऐसे कई सारे चमत्कार है चीमा जी, अगर मैं गिनाने लगूंगा हमारा शो छोटा पड़ जाएगा, ऐसे कई चमत्कार मैंने होते देखे हैं। तो जब ये चमत्कार होते हैं ना आपके और मेरी आंखों के सामने, तो जब हम कहते, हमने क्या बोला, बोला ठीक है भैया जो तुम्हारे यहां से आएंगे हम उनको 14 दिन के क्वारंटाइन में रखेंगे, अगर ठीक रहे तो घर जाएंगे, नहीं तो वापस जाएंगे। अब मुझे बताइए, ये जब रिट्रोस्पेक्टिव मेजर्स की बात होती है, फोन करता है पॉलिटिशियन दूसरे को, ये ना इंजेक्शनों का केमिकल फॉर्मूला बदल जाता है। 7 मिलियन सबसे कम डेथ और इन्फेक्शन इंडिया में है, हमारी आबादी अमेरिका की आबादी हमसे 5 गुना है, 8 लाख लोग मरे हमारे 3 लाख लोग मरे, गुना कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, अगर अमेरिका की हमारी जितनी आबादी होती तो वहां 3 मिलियन लोग मिलते, तो हमारा डेथ रेट इज 1/10 ऑफ अमेरिका मैथमेटिकली, मैं मतलब वो अंदाजे नहीं लगा रहा मैथमेटिकली, ठीक है जी। अमेरिका से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ स्पेंडिंग किसी मुल्क की नहीं है, ये भी बात मानते हैं, अमेरिका का अपने आपको नंबर 1 कहता था मेडिकली, ये भी आप जानते हैं वहां क्या हालत हुई, तो ये कहना कि भाई ये इंडिया में वर्स्ट सिचुएशन हुई, ये मैथमेटिकली आप इसको सम अप करेंगे ये सही नहीं है। सबसे सस्ती वैक्सीन हमने मंगा ली चीमा जी आज के डेट में, कहानी बताऊं सर आपको, 37 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन लगा ली जो अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। हमें बोलते थे न्यूजीलैंड से कोविड मैनेजमेंट सीखो, पहले दिन 21 जून को 90 लाख लोगों को आप वैक्सीन लगाई, जो विच इज ट्वाइस द पॉपुलेशन ऑफ न्यूजीलैंड।
ठीक है जी, हमने 38 करोड़ टेस्ट कर रखे आज के डेट में। मैं ये वैक्सीनेशन में फैक्ट्स फिगर्स डाटा के साथ बोल रहा हूँ, टेस्ट लो, वैक्सीनेशन लो, पर डे इनोकुलेशन लो, हमारा टारगेट है सब लोगों को दिसंबर तक वैक्सीनेट करना। तो ये जो परिस्थिति है बिल्कुल कंट्रोल में है, और हमसे कहीं ज्यादा लोग हताश हुए अमेरिका में, जो दुनिया का नंबर वन मुल्क है मेडिकल में, स्पेंडिंग में, इंफ्रा में, हर लहजे में। डॉक्टर साहब, ये जो मैं सवाल उठा रहा था कि ये जो कहा चीनी वैक्सीन एक्सेप्ट नहीं हो रही, फिर यहाँ ये भी कहो तो हम वैक्सीन बनाने वाले थे जिसमें हमें ये कहा गया था कि हफ्तों में हम इतनी बना लेंगे कि शायद 2-2.5 करोड़ के लग जाएं। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या करें, अब थोड़े हंगामे हो रहे हैं एक्सपो सेंटर में, कल भी आज भी लोग बड़े परेशान हैं। डॉक्टर साहब जी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि सबसे पहले तो जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने अपने कवानीन बनाए हैं, और उसमें ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो सिर्फ जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जिसने अप्रूवल दे रखा है उसके उस उन कंपनी के वैक्सीन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना शामिल हैं, और वो चाइनीज़ वैक्सीन जहाँ तक के WHO का अप्रूवल है, इनमें बहुत से ममालिक जो यूरोप के हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और यही मामला सऊदी अरब का भी रहा है और कुछ मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का रहा है। तो एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है, जो ऐसे ट्रेवलर्स थे हमारे यहाँ से जो बाहर जा रहे थे कि वो ऑलरेडी ले चुके हैं अक्सर लोग चाइनीज़ वैक्सीन्स, अब दोबारा उनको वैक्सीन फाइजर की या दूसरी लगवाते हैं, तो अव्वल तो ये सवाल है कि क्या उनको मिलेगी और वैक्सीनेट हो जाएंगे। तो खासी कन्फ्यूजन है बैनुल अक्वामी लेवल पर, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बैनुल अक्वामी लेवल का मसला है। और जो आपने कहा कि वैक्सीन हम बना रहे हैं और हम ज़्यादा लोगों को लगा रहे हैं, एक्चुअली हम उसको डायल्यूट कर रहे थे कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में बाहर से मंगा कर, और यहाँ डायल्यूशन खाली होनी थी, तो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन की अभी तक हमारे पास नहीं हो रही, लेकिन जो बाहर से वैक्सीन आ रही हैं उनकी तादाद जो है वो महदूद है, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, दुनिया भर को सप्लाई करना पड़ रहा है, चाइना को और दूसरे ममालिक को, और डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो हुकूमत इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती सिवाय इसके कि पूरी कोशिश करें, जो कि कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन मंगाएं और फिर उसको लगाएं, लेकिन जो जैसे मैंने कहा डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। हज़ारों की तादाद में एक्सपो सेंटर में लोग जमा हुए हैं, और फिर आपने जो सवाल उठाया कि इस बारे में अभी तक इबहाम है कि जिनके चीनी वैक्सीन लग चुकी है, अब अगर दोबारा वो फाइज़र की वैक्सीन लगाएंगे या और कोई लगाएंगे तो उसका मजबत रद्देमल या मनफी रद्देमल कहीं ना आए, तो अब आप समझते हैं कि इसमें फौरी तौर पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है, मतलब ये कह तो रहे हैं कि हम गैर ममालिक में जाने वालों को का सिलसिला शुरू हो रहा है वैक्सीन का, तो दो दो बार वैक्सीन लगेंगी, यानी बल्कि तीन बार लगेंगी फिर एक फर्द के, कि चीनी तो लोग लगा चुके हैं बाहर जाने वाले। जी जी, दो बार भी हो सकती है, तीन बार भी हो सकती है।